हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ था कि भाई, कार की किलोमीटर रीडिंग अगर कम हुई है तो हमें कैसे पता करें, कार ही नहीं अगर बाइक की भी कम हुई है। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पे है, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, ऑल टोटल कोई भी गाड़ी हो, उसी के लिए हमने बनाई हुई ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने पहले अगर आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है, कोई मन में बात है या कमेंट में सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, आपके टॉपिक पर भी वीडियो में जल्द से जल्द बना दूँ। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम आपसे मिलते हैं। सो गाइस, हम इस समय अपनी ओमनी वैन पे आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके किलोमीटर रीडिंग देख लीजिए, 21,560 किलोमीटर चली हुई है। अगर दोस्तों ये किलोमीटर रीडिंग कम हुई होगी तो ये देख लीजिए, जो आप जब गाड़ी चलाएंगे, जब ये जो सुई होती है जो उड़ती है, अगर स्मूथली उड़ रही है तो समझ लीजिए नहीं कम हुई, अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके ये ऊपर उठ रही तो समझ लीजिए कम हुई है। दोस्तों, इससे ऐसे भी पता नहीं किया जा सकता, किसी किसी में नहीं भी उड़ती है, तो आपको और भी चीज़ें ध्यान देना है इस पर। ये देख लीजिए, जहाँ पे हॉर्न दबाया जाता है वहाँ पे थोड़ा घिसावट हो जाती है, और जो जो चीज़ें हमारी चलती हैं, हाथ लगता है वो थोड़े थोड़े घिस जाती है। देखिए पैडल रबर क्योंकि घिस जाती है हमारी, और ये एक्सीलेटर, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितना गाड़ी हमारे किलोमीटर चली होगी। अगर 10-20 हज़ार कम हुई हो तो आप नहीं पता लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा कम हुई होगी जैसे कि 50 हज़ार या 1 लाख किलोमीटर कम हुई तो पता लगा सकते हैं। तो ये देख लीजिए, टायर से भी हमें पता लगा सकते हैं कि किस कंपनी के टायर हैं, ये देख लीजिए, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी टायर में ही पड़ी होती है। आपको चारों टायर देख लेना कि कितने किस कंपनी के हैं और कितने चले हैं, ये आपको देख लेना कितना घिसा हुआ, इससे भी आप पता लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए एक और मैं गाड़ी एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, है वैगन आर है हमारी मारुति की, ये देख लीजिए, इसके 50,806 किलोमीटर चली है ओरिजिनल। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो साइड में हॉर्न वाले जो प्लेट होती है, ये जो पेंट लगा हुआ है सिल्वर टाइप का, वो घिस जाता है हल्का हल्का। ये देख लीजिए, यहाँ पर भी हल्का जो घिसा हो जाता है प्लास्टिक बेयर पे उंगली लगा, ये देखिए हल्का हल्का ये घिस रहा है, क्योंकि 50,000 चली इस वजह ज़्यादा नहीं घिसा। अगर यही गाड़ी 1 लाख से 1.5 लाख किलोमीटर पर चली होती तो इसमें कालापन आ जाता है। और ये भी देख लीजिए, जो डिपर असम्बली होती है, हमारा जो स्विच होता है हेडलाइट ऑन ऑफ करने का, वो भी हल्के उसमें जो 100 इंडिकेट बने होते हैं वो भी घिस जाते हैं। ये देख लीजिए, हैंडल्स में जो पेंट लगा हुआ सफ़ेद सिल्वर कलर का, वो भी घिस जाता है, और जैसे स्विचेस हैं ये घिस जाते हैं, और आपको जैसे रबड़े इसमें भी इस तरह से, ये देखिए 50,000 किलोमीटर चली अभी, रबड़े ज़्यादा नहीं घिसी मगर कहीं कहीं घिसी है हल्की हल्की। अगर जैसे 1 से 1.5 लाख या 2 लाख किलोमीटर चली होगी तो रबड़े काफ़ी घिस जाती हैं, वो आपको कंडीशन से आपको पता लग सकता है। चलिए एक गाड़ी मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये है बलिनो है मारुति की हमारी, ये देख लीजिए दोस्तों, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है, ज़्यादा नहीं चली, ये केवल 14,647 किलोमीटर ये केवल चली हुई है, ये देख लीजिए दोस्तों। और इसमें भी इसी तरह से आप पता लगा सकते हैं, जैसे जो स्विचेस लगे हुए हैं टेप कंट्रोल के, इसमें भी पता चल सकता है गाड़ी कितनी हमारी चली होगी। और ये देख लीजिए, स्टॉप ऑन ऑफ बटन है, ये भी अगर ज़्यादा यूज होता है तो ये इसमें जो इंजन स्टॉप स्टार्ट जो लिखा हुआ है ये हल्का घिस जाता है, जैसे कि हमारी गाड़ी टीवी का जो घर का रिमोट होता है उसमें जो बटने होते हैं वो घिस जाती हैं। ये देख लीजिए, इसमें भी इस तरह से आप रबड़ देख सकते हैं, और भी इसमें जैसे कि ये जो रनिंग बोर्ड लगा हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए साइड में ये दरवाज़ा खोल के, ये जो प्लास्टिक लगी हुई है रनिंग बोर्ड पे जो फाइबर का, इसमें भी घिसाव ये आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पैर हमारा लग जाए। देखिए दोस्तों, रनिंग बोर्ड पे पेंट हल्का स्क्रैच है, अगर ज़्यादा चली होगी तो उसमें ज़्यादा बेर बैठा गया होगा, इस वजह से पेंट ज़्यादा घिस जाता है। और ये देख लीजिए अलाइनमेंट, अगर मेन चीज़ जो मैं आपको बताने वाला, अलाइनमेंट बैलेंसिंग जो होती है उसमें किलोमीटर रीडिंग जो चिपकाते हैं गाड़ी में, आप उससे भी बहुत ध्यान से देख सकते हैं। लिख दो तो जहाँ पे अलाइनमेंट होता है वहाँ पता कर लीजिएगा कहाँ अलाइनमेंट होता है, अगर उससे पूछ लीजिए भाई कहाँ कराते हो, अगर बता दे तो ये देख लीजिए अलाइनमेंट वाले पर आप जा करके गाड़ी नंबर बता करके पूरी डिटेल निकलवा सकते हैं। देखिए कितने किलोमीटर चली हुई है, ये देख लीजिए 95,243 किलोमीटर, इससे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि हाँ हमारी गाड़ी कहाँ पर किलोमीटर कम हुई है और कितनी हुई है, पिछला भी किलोमीटर सारा हमारा पता चल जाए। और जहाँ सर्विसिंग होती है गाड़ी की वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि हाँ पिछली सर्विस कितने हुई थी, उससे पहले कितनी हुई थी, और इस समय किलोमीटर कितनी, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, और बाइक में भी कुछ इसी तरह से है, अगर सुई जैसे हिल हिल के अगर नहीं उठ रही, एकदम स्मूथली उठ रही तो इससे भी आपको बहुत ही कम पता चल सकता है। अगर हिल हिल के उठ रही तो आपको बिल्कुल श्योर हो जाना है कि हाँ भाई किलोमीटर इसके रीडिंग बाइक हुई है, अगर नहीं हिल रही ऐसे ही उठ रहा है तो आपको पता नहीं चल सकता। ये देख लीजिए दोस्तों,
इसके स्विच ये भी घिस जाते हैं अगर हमारी ज़्यादा चली होती है दोस्तों। ये देखिए सेल्फ स्टार्टर जो ये बटन होता है ये भी घिस जाता है, और ये देख लीजिए ब्रेकेस होते हैं। ये सब दोस्तों आप ही को देखना है, कोई आपको बताएगा नहीं। मैं इससे भी एक फुल वीडियो बना दूंगा कि सेकेंड हैंड गाड़ी कैसे खरीदें। दोस्तों यही एक कुछ तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कैसे हमारी किलोमीटर रीडिंग कम हुई है कि नहीं, कितनी चली है। दोस्तों मैं आपको जैसे कि मैंने आपको दिखाया तो मैं एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत डिटेल में कि आप जहाँ अलाइनमेंट बैलेंसिंग होती है उसका जैसे स्टिकर गाड़ी के पीछे ग्लास में बहुत लोग चिपका देते हैं अपने प्रचार के लिए, और उसमें जो किलोमीटर रीडिंग स्लिप होती है वो लगा देते हैं गाड़ी के अंदर। आप उसमें भी देख लीजिए गाड़ी में कोई स्लिप लगी है कि नहीं, कुछ है कि नहीं। अगर उस वो पता चल जाए तो डायरेक्टली आप किसी जहाँ पर उसमें स्लिप लगी जिस कंपनी की वहाँ पर आप जा करके अलाइनमेंट बैलेंसिंग वाले से आप देख लीजिए उस नंबर का रिकॉर्ड, आपको पूरे रिकॉर्ड मिल जाएगा कितने किलोमीटर पे इसमें अलाइनमेंट बैलेंसिंग हुआ है, इस समय कितना किलोमीटर है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। और भी दोस्तों जहाँ पे सर्विस होती है उसका आप जॉब कार्ड जो होता है उससे आप खुलवा करके देख सकते हैं कि पूरे डिटेल में कि कितना पिछली बार सर्विस हुई थी। सर्विस में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000-10,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो सकती है, मगर 50,000-60,000 किलोमीटर आगे पीछे नहीं हो सकती दोस्तों। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर कि बस यही कुछ तरीका, छोटी मोटी घिसावट जो हमारी गाड़ी चलने पे हो जाती है उससे आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि टायर हो गया और भी हॉर्न पैड हो गया और जो ब्रेक जो उसके ऊपर रबड़ें लगी होती हैं वो हो गया दोस्तों। ऐसे ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं दोस्तों, एक हाउ टू बाय सेकेंड हैंड कार एंड कैसे बाय करें उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो देखते रहिए अपना ये चैनल दोस्तों, विनायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों बाय बाय।